हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा क्लास थ्री में सब्जेक्ट मैथ आपका चैप्टर नंबर सेकेंड रोमन न्यूमरल। चैप्टर नंबर टू है बेटा आपका रोमन न्यूमरल। पिछले वीडियो में पिछले दिन हमने जो है स्टार्ट किया था ठीक है बेटा, रोमन न्यूमरल पेज नंबर 19 पे आता है चैप्टर। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे पहले जो आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताया गया था कि ये जो है रोमन न्यूमरल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवन लेटर। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स जो है ये आपके सेवन लेटर से जो है बनते हैं, कंपोज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ और उनके मान जो होते हैं अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाया गया था पिछले वीडियो में। ठीक है, आपको बुक में है, देख सकते हैं आप पेज नंबर 19 पे। ठीक है बेटा, और इसके बाद जो है रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल बनाने के लिए जो है कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया था। जैसे पहला रूल सबसे बड़ा आपका लेटर एक्स आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड टू राइट अ नंबर। यानी जो लेटर आई एक्स सी और एम है उसे हम बेटा क्या करते हैं, किसी नंबर को लिखने के लिए हम उसे रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया था और का इसे जो है हम कैन बी रिपीटेड इसे हम दोहरा सकते हैं बेटा, मगर मोर देन थ्री टाइम्स से अधिक इसको हम दोहरा रिपीट नहीं कर सकते हैं। यानी आई एक्स सी एंड एम कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स। ठीक है बेटा, ये भी आपको बताया गया था किसी भी रोमन न्यूमरल को यहाँ पर जो दिखाया गया है आई एक्स सी एम इसे जो है हम मैक्सिमम थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बताए गए थे। और उसके बाद रूल टू था बेटा व्हेन अ लेटर लेटर वैल्यू अपीयर्स टू द लेफ्ट और बिफोर अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू द लेटर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। यानी किसी बड़े मान वाले रोमन न्यूमरल के अगर बाएं साइड में लेफ्ट साइड में उसके पहले अगर कोई न्यूमरल है तो उससे हम क्या करते हैं, बड़े वाले से उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और थर्ड में क्या था, अगर उसके राइट साइड में कोई न्यूमरल्स है, ठीक है, अगर किसी बड़े मान वाले रोमन न्यूमरल्स के राइट साइड में अगर कोई न्यूमरल्स है तो उसे हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। आपको फोर और सिक्स का बताया गया था। ठीक है, इसे अगर आई और बी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बी आपका फाइव होगा और आई आपका हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर जो सभी रूल सब बताया गया था। छोटा रूल था आपका वेन लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू अपीयर, ठीक है, यहाँ पे आई एड करता तो इसका हो जाएगा 10 और इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स में से इस वन को जो है क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10 - 1 हो जाएगा आपका 10 + 9 हो जाएगा यानी 9। ठीक है, इस तरह से जो है इसे हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फोर रूल्स जो है आपको हमने पिछले वीडियो में ये बताया गया था और आज जो है हम इसी रूल्स पे आधारित जो है क्वेश्चन आपका दिया गया है 2.1 में, इसे हम देखेंगे बेटा। पहला राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग अरबिक मीटर।
ए है राइट रोमन न्यूमरल, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग हिंदू कैलेंडर, हिंदू अरबी न्यूमरल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है राइट और रोमन न्यूमरल, आपको रोमन न्यूमरल सीखना है फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमरल, यानी कि दिए गए निम्नलिखित हिंदू अरबिक न्यूमरल के लिए। ठीक है, देखिए पहला टू, पहला जो है आपका टू, तो टू के लिए क्या लिखेंगे डबल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का क्या होता है वन का होता है आई और सेकंड का हो जाएगा आपका डबल आई। ठीक है बेटा, सेकंड है फोर, फोर का हो जाएगा आई वी, आई वी फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव दिया है तो फाइव को लेकर आपका वी। ठीक है, वी हो जाएगा फोर प्लस सेवन, इसका होगा आपका वी डबल आई। सेवन का क्या होगा बच्चों, वी डबल आई। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन फिफ्थ है, नाइन क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर सेवन, फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर एट, नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइन का, ट्वेंटी वन टेन क्वेश्चन नंबर टेन है, ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर इलेवन, थर्टी नाइन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, फोर्टीन। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपका कुल ट्वेल्व क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि दिए गए हिंदू अरबिक अंकों को आपको रोमन न्यूमरल्स में राइट करना लिखना है। तो इसमें हमने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप देख रहे हैं बताया गया है ब्लैक बोर्ड पे, आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आप बच्चों को फाइव से लेकर ट्वेल्व तक जो दिए गए हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं उन्हें आप जो है रोमन न्यूमरल्स में राइट कर लेंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बी, क्वेश्चन नंबर बी बेटा, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल, क्वेश्चन नंबर बी बच्चों राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल। ठीक है, न्यूमरल
फॉर फॉलोइंग रोमन न्यूमरल, फॉलोइंग रोमन, ठीक है, रोमन न्यूमरल ठीक बेटा, इसका उल्टा है पहले वाले क्वेश्चन के, एक वहां पे आपको रोमन न्यूमरल सीखना था और यहाँ पे रोमन न्यूमरल दिया है आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल में, इसे आपको ऐड करना है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, ट्रिपल आई जिसे हम कहते हैं बच्चों थ्री, ठीक है, ट्रिपल आई यानी कि थ्री। क्वेश्चन नंबर टू आपका आई बी, आई बी दिया है, आई बी का क्या हो जाएगा फोर, आई का क्या होगा फोर। क्वेश्चन नंबर थर्ड वी ट्रिपल आई, वी ट्रिपल आई दिया बेटा तो क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा फाइव और राइट साइड में थ्री है तो फाइव थ्री एट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका वी ट्रिपल आई का एट। उसका फोर है क्वेश्चन नंबर फोर, आई है, आई है ठीक बच्चों, तो आप देख सकते हैं एक्स आपका बड़ा वैल्यू वाला आपका प्लस है और आई आपको पता है तो उसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स का होता है टेन और आई का हो जाएगा वन, तो टेन माइनस वन करेंगे तो आपको हो जाएगा नाइन, आपका हो जाएगा आई एक्स का नाइन, ठीक बच्चो। इसी तरह आपका दिया है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का एक्स आई है आई बी, क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स आई है ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन डबल एक्स आई बी, डबल एक्स आई बी ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट डबल एक्स आई एच, क्वेश्चन नंबर एट दिया है डबल एक्स आई एच। क्वेश्चन नंबर नाइन ट्रिपल एक्स आई, ट्रिपल एक्स आई ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर टेन ट्रिपल एक्स थ्री, ट्रिपल एक्स वी, उसके बाद इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन और जो ट्रिपल एक्स आई है ठीक है, ट्रिपल एक्स आई है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर यल ट्वेल्व बेटा आपका यल, ये क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे आपको फोर्थ क्वेश्चन में कराया था ठीक है, दिए गए रोमन न्यूमरल्स आपको हिंदू अरबिक के न्यूमरल्स में आपको राइट करना है ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है बेटा ठीक है, करेक्ट नंबर टीच द करेक्ट रोमन न्यूमरल इन ईच पेयर, ठीक है ईच पेयर, यहाँ बेटा जो है कुछ रोमन न्यूमरल्स में पेयर दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, आपको उन पे टिक करना है जो आपके सही आंसर होगा ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, पहला दिया था आपका नाइन इक्वल दिया आपका वी आई वी ब्लैंक और आई ठीक है, पहला ये आपका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा फोर आई बी
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी वी आई बॉक्स और आई वी। क्वेश्चन नंबर फोर, 19 एस बी और एक्स आई एस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 34 दिया हुआ आपका एस 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 आई बी बॉक्स और एस 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 आई आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, 39 इज इक्वल एस 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 आई एस और आई एस 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 एस, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें पूरा ठीक करना है। क्या देख रहे हैं, दो दो जोड़ दिए गए हैं क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में हिंदू अर्बिक नंबर दिया गया है और उसके दो दो जोड़ दिए गए रोमन नंबर के, ठीक है। जो आपका सही होगा जब सही होगा उस पेयर पे आपको जो है क्या करना है, सही लगाना है। देखते हैं 9 आता तो 9 भी क्या आपका करना है, वी आई बी, ठीक है। वी आई बी ये आपका जो है आप देख सकते हैं वी को जो है दो बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसे आप पहले हो जाएगा ऐसा आई एक्स क्या होगा सही होगा, उसकी इक्वेशन क्या करेंगे सही आंसर लगा देंगे। वी 9 का हो जाएगा आपका आई एक्स। ऐसे में देखेंगे 4, 4 के रिपीट किया आपका आई बी और क्या है आई आई आई, फोर टाइम आई, फोर टाइम आई लिखा हुआ आपका यहाँ देखते हैं, फोर टाइम आई तो आपको पता चलेगा किसी भी रोमन न्यूमरल को आप रिपीट करते हैं तो मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट करेंगे, आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या होगा, फोर का आई बी इज द राइट आंसर, ठीक बच्चों। क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट और सेकेंड में बताया आपको फिफ्थ करते आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, जो क्वेश्चन जिसमें आपका न्यूमरल जो आपका रोमन न्यूमरल से मैच करेगा जो सही आंसर होगा उसको आपको टिक करना है, ठीक बच्चों। तो ये कर लेंगे और इसके बाद आपका डी दिया है लास्ट क्वेश्चन आपका डी, ठीक है। करेक्ट मैचिंग एंड का बराबर ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट मैचिंग एंड ड्रॉ द रॉन्ग वन, ठीक है। ये दिया है और इसमें जो है आपको क्या करना है, पावर क्वेश्चन लिखेंगे एक्स डबल आई इज इक्वल सेवन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, वी आई इज इक्वल फोर बॉक्स। थर्ड बेटा ट्रिपल एक्स इज इक्वल 30 बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, एस वी आई equal 16 box. Question number 5, SV is equal 15 box. And last of all, question number 6, VI is equal 16 box. ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ठीक है। देखिए आप क्या है, किसका करेक्ट 90 का इसका रॉन्ग वन, इसमें जो करेक्ट होगा उसका सही निशान लगाएंगे
और जो गलत होगा उसके लिए बेटा क्या करना है, क्रॉस कितना लगाना है, गलत कितना लगाना है। देखते हैं x डबल आइडिया आपका, तो x कितना होगा आपका 10 और डबल आइडिया आपका 2 हो जाएगा, 10 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 12, और यहाँ क्या दिया है 7, इसका वैल्यू 7 दिया है, लेकिन इसका वैल्यू होगा क्या 12 होगा, इसलिए बेटा क्या होगा रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आइए सेकंड देखते हैं बेटा, ये वी आई है, वी आई का वैल्यू क्या दिया आपका 4, तो वी आई का होता क्या बेटा वी और आई का होता आपका जो आपका वी एम के राइट साइड में है, तो उसमें कि जब किसी बड़े न्यूमरल के राइट साइड में कोई छोटा न्यूमरल होता है तो उससे हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो वी और फाइव और वन एक्स का 6 हो जाएगा, तो इस वी आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 होगा न कि 4, तो ये दिया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी को सकते हैं x 30 क्वेश्चन को सर x दिया इसका मान 30, तो आप x का मान होता है 10 प्लस 10 यानी 30, ठीक है। ये आपका क्या बेटा बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक द करेक्ट उसमें लगा दीजिए, ट्रिपल एक्स का जाएगा 30, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कराया, बाकी 4 और 6 ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और ए बी सी में ऐसे सब ए बी सी में जो बचे हुए क्वेश्चन थे ए बी सी डी वो सारे क्वेश्चन जो बेटा आप दोनों ग्रुप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और ये बेटा आपका चैप्टर ऐसे 2.1 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा जो है हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे एडिशन, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।